स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम्स टुडे। और आज का जो सेशन है वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट पर है। जो हमने कल किया था वो एरर स्पॉटिंग था और उस पर बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला है। स्टूडेंट्स ने काफ़ी कॉमेंट्स किए हैं, अपने क्वेरीज को रखा है कॉमेंट सेक्शन में। और सबसे पहले आप सबको थैंक यू। हम लोग अब 50,000 सब्सक्राइबर्स की एक फैमिली हो चुके हैं, तो ये सब आप लोगों की डेडिकेशन है, आप लोगों का सपोर्ट है कि हमारे जो चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर्स आए हैं, एंड आई थैंक यू फॉर दैट। और आज की जो वीडियो है हमने सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे बनाई है, जो कि काफ़ी इजी मुझे लगता है कि थोड़े से इजी सेंटेंसेस हैं। लेकिन इन सेंटेंसेस को इजी रखने का रीज़न ये है कि जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, हमने बेसिक्स को क्लियर करना है, ठीक है। क्योंकि जो सेंटेंसेस को हम डिफ़िकल्ट कहते हैं कि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट लेवल का था, उसमें डिफ़िकल्टी कहाँ आती है, क्योंकि हम लोग अपने बेसिक्स को क्लियर करके नहीं जाते। हम लोगों को नहीं पता है कि हमने क्या करना है। अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स को सेंटेंसेस को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपके लिए वो चीज़ इजी हो जाएगी। समझना इजी है तो समझने के तरीके भी हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो इसलिए जो सेंटेंस और रीअरेंजमेंट है वो हमने बेसिक थोड़े से सेंटेंसेस को उठाया है, ताकि आप ध्यान रख सकें कि आपने कैसे उसको अरेंज करना है वापस से सेंटेंसेस में, ठीक है। और आपको एक मीनिंगफुल पैराग्राफ फॉर्म करना है। तो जब भी आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट करना है तो ध्यान रखना है कि कनेक्टर्स का, कि कैसे दो सेंटेंसेस आपस में कनेक्ट होने वाले हैं। और इस वीडियो में हमने एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करनी है, जहाँ पर हम जो ऑप्शंस हैं उसको एलिमिनेट करते जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि बेसिक क्या होता है कि कई बार आपको आंसर्स रीअरेंज करते टाइम इतना टाइम नहीं होता कि आप पेपर में पूरे पैराग्राफ को रीअरेंज करें, सेंटेंसेस को रीअरेंज करें। तो इसलिए हम एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करते हैं, जहाँ पर आपने पहले अपने जो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर दिया कि ये वाला सेंटेंस इससे कनेक्टेड है, देन मार्क कर लेना है कि वो वाले कनेक्टर्स कहाँ कहाँ पे यूज़ हुए हैं, ठीक है। और जहाँ पर वो कनेक्टर्स या फिर दो आपस में लिंक्ड सेंटेंसेस ऑप्शंस में नहीं है, आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी आपने कैसे करना है। तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस है यहाँ से पे, अ टोटल ऑफ 771 एमपीज वर एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन प्रोसेस। द काउंटिंग ऑफ वोट्स इज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट 11 AM ऑन 20 जुलाई। द इलेक्शन वॉज कंडक्टेड एट 32 पोलिंग स्टेशंस इंक्लूडिंग अ पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबलीज। द प्रेजिडेंशियल इलेक्शन ऑन मंडे रिकॉर्डेड प्रोबेबिलिटी the highest ever voting turnout of close to 99%. In all, 714 of them cast their votes in parliament, while 32 MPs voted in the West Bengal Assembly. While ballot boxes from 9 state assemblies reached the national capital by Monday evening, the rest were expected to be transported by air on Tuesday. ठीक है, आपका फर्स्ट काम क्या है कि आपने इसमें से जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको निकालना है, ठीक। हमने यहाँ पे पता किया कि हमारे पास बात किसकी हो रही है, इलेक्शंस की, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस अभी अभी ख़त्म हुआ है और मिस्टर गोविंद को हमारे कंट्री का प्रेजिडेंट बनाया गया है, उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर है क्या कि जो फर्स्ट सेंटेंस आपको लगेगा कि उसमें क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्टरी कुछ फ्रेज होना चाहिए, इंट्रोडक्शन मिलने चाहिए फर्स्ट सेंटेंस से। तो फर्स्ट सेंटेंस में जो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन आई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की, वो थी डी में, ठीक है। यहाँ पर भी इलेक्शन की बात हुई है, लेकिन इलेक्शन पर्टिकुलरली कौन से हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, ठीक। तो हमारा फर्स्ट जो सेंटेंस है वो डी। आप ऑप्शंस में देखिए कि डी कहाँ कहाँ पर है, एक तो ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर थ्री, इट मीन्स आपका फर्स्ट एंड फोर्थ ये दोनों ही ऑप्शंस एलिमिनेटेड हैं, ठीक है। अब क्या बात कर रहे हैं हम, द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑन मंडे रिकॉर्डेड प्रोबेबिलिटी द हाईएस्ट एवर वोटिंग टर्नआउट ऑफ क्लोज टू 99%, ठीक। अब इसके बाद हमने इससे लिंक्ड सेंटेंस तोड़ना है, कहाँ पे अब इलेक्शन हुए, द इलेक्शन वॉज कंडक्टेड 32 पोलिंग स्टेशंस, क्योंकि इलेक्शंस की जहाँ पर लोकेशन है वो भी पता करनी है। तो इसके बाद सेंटेंस कौन सा आएगा, सी, राइट। अगर हमारे पास इस दो ऑप्शंस को देखें तो डी एंड सी, डी एंड ए, राइट। तो आप ए को पहले यूज़ करके देखें यहाँ पर, डी के बाद
काउंटिंग ऑफ वोटिंग वोट्स इज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 11 AM ऑन 20th जुलाई। तो क्या ये वाला जो बी है वो डी से कनेक्टेड लगता है आपको? नहीं, इट मीन्स कि आपका जो सेंटेंस रह गया है वो ऑप्शन 3 है, डी सी ए ई एफ बी, ये आपका आंसर है। लेकिन हमने अपने आंसर को क्रॉस चेक ज़रूर करना है, अब हमने इसको अरेंज करना है इसी के अकॉर्डिंग। डी के बाद हमने सी यूज़ किया, देन ए। द काउंटिंग ऑफ वोट्स इज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 11 AM ऑन जुलाई 20। ठीक, यहाँ पर ये बी है, उसके पहले सेंटेंस ए क्या कहते हैं कि अ टोटल ऑफ 771 MPs वर एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पर 771 MPs ने पार्टिसिपेट किया। पहले हमने क्या ढूंढा, मेन जो हमारा थीम था प्रेजिडेंशियल इलेक्शन, देन उसकी लोकेशन कहाँ पर आई, सी में। अब उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो कैंडिडेट्स थे वो किस में आए हमारे पास, सेंटेंस ए में, राइट। अब यहाँ पर 771 MPs की बात हो रही है, उसके बाद हम सीधा सेंटेंस ई पे आते हैं, क्योंकि 771 के बाद हमारे पास 714 हैं जिन्होंने अपना वोट कहाँ पर दिया, पार्लियामेंट में, और 42 ने कहाँ दिया, वेस्ट बंगाल की असेंबली में। तो ए के बाद हमारा सेंटेंस ई आएगा, देन एफ। अब हम सीधा कंक्लूजन्स पे जा रहे हैं। वाई बैलेट बॉक्सेस फ्रॉम 9 स्टेट असेंबलीज रीच द नेशनल कैपिटल बाय मंडे इवनिंग, इट मीन्स कि इलेक्शंस जो काउंटिंग है वो बॉक्सेस के बैलेट्स की होने वाली है, तो वो एफ में होगी। और सी के बाद हमारे पास आया, एफ के बाद आया बी, कि जो वोटिंग शेड्यूल है वो 11 बजे 20 जुलाई को होगा, राइट। ठीक है, आपने किया क्या कि पहले आपने इसको एक सीक्वेंस में बांधा है पूरे पैराग्राफ को। पहले इलेक्शंस की बात हुई, इलेक्शंस कहाँ पे हुए, इलेक्शंस के में किसने किसने पार्टिसिपेट किया, कहाँ पे वोटिंग हुई, कितने लोगों ने वोटिंग की, देन बैलेट बॉक्सेस दिल्ली आए और उसके बाद उनकी काउंटिंग होगी। तो एक सीक्वेंस में, अगर आपको एलिमिनेशन टेक्निक समझ में नहीं है तो सीक्वेंस करना सीखिए, कि आपने सेंटेंसेस को इस तरह से कलेक्ट करना है कि वो एक प्रॉपर सीक्वेंस। ऐसा तो नहीं है जैसे एक स्टोरी चलती है, पूरा लाइनअप होता है हर एक चीज़ का, कोई करेक्टर पहले आ रहा है, कोई बाद में आ रहा है, ऐसा नहीं है। आपने उसको एक प्रॉपर लाइनअप देना है सेंटेंसेस को, तभी वो एक कोहेरेंट पैराग्राफ में फॉर्म हो जाएगा, राइट। अब अगले वाले हम जो भी क्वेश्चन करने वाले हैं, हम उसमें एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ नहीं करेंगे। जितना मैंने आपको बताना था एलिमिनेशन का वो मैं बता चुकी हूँ, कि आपने फाइंड आउट करना है फर्स्ट सेंटेंस, उसके साथ का कनेक्टिंग सेंटेंस, देन जो उसमें रिलेटेड नहीं था हमने उसको डिलीट कर दिया, एलिमिनेट किया, देन हमारा आंसर हमारे पास। ये सबसे फास्टेस्ट वे है सेंटेंस रीअरेंजमेंट को करने का, लेकिन हमने बाकी फास्टेस्ट के साथ साथ हमने बाकी की टेक्निक्स भी यूज़ करनी है, हमने पढ़ना भी है, हमें समझना भी है। तो उसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे विदाउट यूजिंग एलिमिनेशन टेक्निक। अब हम सेंटेंसेस को खुद से फ्रेम करने की कोशिश करेंगे, खुद से पैराग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास सेंटेंसेस है, इंडिया विल प्ले 3 tests इन श्रीलंका एंड विल कमेंस इट्स कैंपेन विद अ वार्म अप गेम इन कोलंबो ऑन जुलाई 21 एंड 22। BCCI प्रेस रिलीज स्टेटेड विजय हु सफर्ड अ रिस्ट इंजरी ड्यूरिंग ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंडिया कंप्लेंड ऑफ पेन इन हिज रिस्ट। ओपनर शिखर धवन हैज रिप्लेस्ड एम विजय, यहाँ पर एम विजय है और यहाँ पर विजय है, इट मीन्स कि दोनों एक ही पर्सन है। हु वॉज ओरिजिनली पिक्ड इन द इंडिया टेस्ट स्क्वाड शेड्यूल्ड टू टूर श्रीलंका। द BCCI मेडिकल टीम हैज देयरफॉर, अब देयरफॉर क्या है, एक कंक्लूजन दे रहा है हमें, ठीक है। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं हो सकता, दैट विजय शुड कंटिन्यू हिज रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। द फर्स्ट टेस्ट विल बी हेल्ड एट गैले फ्रॉम जुलाई 26। विजय हु अंडरवेंट अ सर्जरी एंड स्किप्ड द इंडियन प्रीमियर लीग seemed on the road to recovery until the latest setback unhinged his comeback plans. ठीक है, अब हमने इसका क्या करना है, इंट्रोडक्टरी जो है सेंटेंस फाइंड आउट करना है। अब सेंटेंस ए में क्या है, इंडिया विल प्ले 3 tests
और उसमें से सबसे पहले हमें एक वार्म अप मैच खेलने वाले 21 और 22 को, ठीक। उसके बाद है BCCI प्रेस रिलीज, जो ये पूरी स्टेटमेंट है लेकिन इसमें हमें कुछ इंट्रोडक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक। तो भी यहाँ पर हमने पहले इसको निगेट कर दिया कि इंट्रोडक्शन नहीं हो सकती। द फर्स्ट टेस्ट, इसका आपस में इसका अगला सेंटेंस क्या होगा मैं नहीं पता। एंड विजय हु अंडरवेंट सर्जरी, सर्जरी कैसे होएगी जब उसको एडवाइस दी जाएगी, तो कनेक्शन कहाँ पे, इन आपस में सबका कोई कनेक्शन हमें इंट्रोडक्टरी पैसेज नहीं मिलेगा। सिर्फ एक सेंटेंस 3 है, ओपनर शिखर धवन हैज़ रिप्लेस्ड एम विजय। अगर एक न्यूज़ की बात करें हम, कि हम एक न्यूज़ सुन रहे हैं, तो उसमें पहले क्या आएगा कि शिखर धवन ने मुरली विजय को रिप्लेस किया, ठीक है। तो सी से हमारा इंट्रोडक्टरी पैसेज स्टार्ट हुआ। हु वॉज ओरिजिनली पिक्ड इन द इंडिया टेस्ट स्क्वाड शेड्यूल्ड टू टूर श्रीलंका, राइट। अब इसकी बात है कि अब रिप्लेस क्यों किया गया, उसका आंसर हमें कहाँ से मिलेगा, बी से, कि BCCI की प्रेस रिलीज ये कहती है कि उनको एक रिस्ट में इंजरी आई है जिसकी वजह से उनको एक पेन हो रहा है। तो सी के बाद क्या आया, बी। बी के बाद अब रिस्ट की इंजरी आई, पेन हुआ, पेन का क्या होएगा, डॉक्टर्स उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बोलेंगे। तो उसके बाद क्या आया, डी। द BCCI मेडिकल टीम हैज़ देयरफॉर एडवाइज दैट विजय शुड कंटिन्यू हिज रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, इट मीन्स उनको रिकवर करने की ज़रूरत है। तो बी के बाद आया डी, ठीक है। डी के बाद हमने क्या करना है कि विजय हु अंडरवेंट अ सर्जरी एंड स्किप द IPL सीम टू बी ऑन द रोड रिकवरी अंटिल द लेटेस्ट सेटबैक अनहिंज्ड हिज कमबैक प्लान्स। इट मीन्स हम उनके ही सर्जरी प्लान्स को आगे के बारे में बता रहे हैं कि उनके एक पहले भी सर्जरी हुई थी जिसकी वजह से उन्होंने IPL को स्किप किया। तो यहाँ पर क्या आया, एफ, ठीक है। अब हमारे पास दो सेंटेंसेस बचे हैं, ए एंड ई। अब हमने इन दोनों को कनेक्ट करना है कि पहले इंडिया क्या करेगी, 3 टेस्ट्स हैं, तो इसके लिए क्या आएगा, एफ के बाद ए उसके बाद ई। तो हमारा आंसर क्या हुआ, CBDFAE हमारा आंसर है 2। हमने क्या किया, हमने इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ढूंढा, उसको कनेक्शंस दिए, ठीक, और इसको एक सीक्वेंस में हमने डाल दिया। तो हमारा आंसर हमारे पास फाइंड आउट हो गया, क्लियर। अगर नहीं समझ आई तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे वापस पूछ सकते हैं कि ये वाला सेंटेंस पहले क्यों नहीं आया, बाद में क्यों आया, उसके आंसर्स मैं ज़रूर दूंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द अदर 2 प्रोजेक्ट्स इंक्लूड अ ग्रीन फील्ड प्लांट इन द गुवाहाटी एंड इंटीग्रेटेड फूड पार्क इन महाराष्ट्र, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज़ लाइंड अप 2 ग्रीन। अब यहाँ पर देखिए कि ये आपका इंट्रोडक्टरी पैसेज या सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि इन अदर 2 प्रोजेक्ट्स, अब ये अदर क्या है हमें नहीं पता, तो हमें इंट्रोडक्शन चाहिए उसके लिए। इंक्लूडिंग 1 एट द मुंद्रा स्पेशल इकोनॉमिक जोन टू कैटर इट्स एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स, इट विल ऑल्सो स्टार्ट अ लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन नेपाल, इट वॉज ऑल्सो वर्किंग। अब यहाँ पर ऑल्सो इट मीन्स ये दोनों सेंटेंसेस किसी और सेंटेंस से कनेक्टेड हैं, तो ये भी हमारे स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं होंगे। द प्रपोज नेपाल एंट्री मे बी मूव इन दैट डायरेक्शन ऑल दो द कंपनी वॉज अनविलिंग टू गो ऑन अ रिकॉर्ड फॉर नाउ। Edelweiss Securities said in its report that Britannia was finalizing plans for expansion in export markets even as it faced pressure in its international business. Okay? तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ब्रिटानिया के बारे में, कि जो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज है उसने 2 प्रोजेक्ट्स को लाइन अप किया है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स को, इंक्लूडिंग 1 एट मुंद्रा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स टू कैटर इट्स एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स, ठीक। तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है, बी। बी के बाद हमारा है इट विल ऑल्सो, अब उसने वहां पर ऐसे एक चीज मानी है जो वहां पर स्टार्ट अ लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन नेपाल, तो नेपाल में अपने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने की कोशिश करें, तो ये दोनों सेंटेंसेस आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। बी के बाद आया हमारे पास सी। सी के बाद है इन द अदर 2 प्रोजेक्ट्स
अब यहाँ पर भी टू प्रोजेक्ट्स हैं और यहाँ पर भी टू प्रोजेक्ट्स हैं। इट विल ऑल्सो स्टार्ट, इट मीन्स कि जो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नेपाल में है वो इन टू प्रोजेक्ट से अलग है। ठीक, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ए को कनेक्ट करेंगे बी सी ए। देन हमारे पास आया नेपाल के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। तो अभी हमने ये द प्रपोज्ड एंट्री मे बी ए मूव इन दैट डायरेक्शन, दैट डायरेक्शन का हमें पता नहीं है कि कौन सी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास कोई भी डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, तो हम एफ सेंटेंस को रीड करते हैं। एडलवाइस सिक्योरिटी सेड इन इट्स रिपोर्ट दैट ब्रिटानिया वॉज फाइनलाइजिंग प्लान्स फॉर एक्सपेंशन इन एक्सपोर्ट मार्केट्स। अभी इनके प्लान्स की बात हो रही है, ठीक है। इवन एट्स इट फेस्ड प्रेशर इन इट्स इंटरनेशनल बिजनेस, राइट। तो ये जो प्लान फॉर एक्सपेंशन है वो है दैट डायरेक्शन। तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस आएगा, एफ। देन इट वॉज ऑल्सो लुकिंग टू मेक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन हाई पोटेंशियल मार्केट्स, क्योंकि एडलवाइस की रिपोर्ट की भी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा कि एक तो उसने एक्सपेंशन प्लान्स बनाए हैं और दूसरी चीज़ क्या है, मेक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स इन हाई पोटेंशियल मार्केट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, डी। और डी के बाद हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ई। हम इस वापस से इसको पूरे से जो पैराग्राफ है इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि पहले हम बात करते थे ब्रिटानिया की, ब्रिटानिया ने दो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स बनाने की बात कही, ठीक है, जो उसके एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स को देखेगा, राइट। और उसके साथ ही उसने किस चीज़ की बात करी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन नेपाल की। पर उसके बाद उसने दो प्रोजेक्ट्स को वापस उठाया सेंटेंस ए में, कि वो जो दो प्रोजेक्ट्स हैं वो गुवाहाटी में होने वाले हैं और एक महाराष्ट्र में, राइट। फिर हम आगे एडलवाइस सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट पे जो ब्रिटानिया के प्लान्स को बता रहा है कि एक तो उसने एक्सपेंशन एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, एक्सपेंशन इन एक्सपोर्ट। दूसरा क्या है, हाई पोटेंशियल मार्केट्स। और जो नेपाल की एंट्री है वो उसके उस डायरेक्शन में जाने में हेल्प करने वाली है। तो इसलिए जो हमारा बी सी ए एफ डी ई है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब इसको चाहे एलिमिनेशन टेक्निक से करें, चाहे आप सीक्वेंस में डालने की कोशिश कीजिए, जैसे भी कर सकते हैं, आपको जो इजी लगता है आप उसको कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। सेंटेंस रीअरेंजमेंट ये भी बेसिक्स लेवल के हैं, अगर आप इसको समझेंगे तो ही आपको आगे के समझ आने वाले हैं। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे जाने वाले हैं, द रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन स्टिकर्स एनेबल्स ऑटोमेटिक डिडक्शन ऑफ टोल चार्जेस एंड लेट द ड्राइवर्स पास थ्रू अ टोल प्लाजा विदाउट स्टॉपिंग फॉर कैश ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट सेट। अब यहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है। चेन्नई बेस्ड इक्विटास फाइनेंस बैंक हैज एक्सपेंडेड इट्स डिजिटल बैंकिंग सूट फॉर दिस द बैंक। पहले यहाँ पर बैंक था, फिर द बैंक आया। इट मीन्स कि दोनों सेंटेंसेस आपस में कनेक्टेड हैं, राइट। तो हम बी और सी को अलग कर लेते हैं। वी प्लान टू इशू 1 लाख इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन टैक्स बाय मार्च 2018, सेट पी एंड वासुदेवन एम डी एंड सी ओ। एक यहाँ पर स्टेटमेंट है और एक यहाँ पर स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक्सपेंडेड है और यहाँ पर क्या है, एक्सपेंशन, ओके। तो हम इसको वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। चेन्नई बेस्ड इक्विटास फाइनेंस बैंक हैज एक्सपेंडेड इट्स डिजिटल बैंकिंग सूट। पहले आया हमारे पास बी, ठीक है। द एक्सपेंशन हैज बीन डन बाय इंट्रोड्यूसिंग अ सेल्फ सर्विस फैसिलिटी फॉर कस्टमर्स टू अवेल फास्ट टैग। इट मीन्स हम एक टैग की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर स्टिकर की बात हो रही है, ठीक है। इट मीन्स कि ई और ए आपस में कनेक्टेड हैं। तो बी के बाद क्या आया, ई। लेकिन यहाँ पर एक्सपेंडेड और एक्सपेंशन आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम बी के बाद ई को लेंगे। अब इन स्टिकर्स को बनाने के लिए फॉर दिस बैंक हैड इंटीग्रेटेड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इन इट्स वॉलेट PURZ। तो यहाँ पर क्या आया, सी। ये बैंक का डिसीजन था, उसको करने के लिए उसने एक
फास्ट टैग बनाए। फास्ट टैग के लिए उसने एक अपने यूपीआई पेमेंट सिस्टम को अपग्रेड किया, राइट। अब उसने क्या किया, BEC आ गया हमारे पास। अब हमारे पास बचा क्या, डी एंड ए। यहाँ पर एक स्टेटमेंट की बात हो रही है और एक यहाँ पे, वी प्लान टू इशू 1 लाख इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन टैक्स बाय मार्च 2018, ठीक है। यहाँ पर हमने एक टैग की बात करी और यहाँ पर टैग और यहाँ पर एक टैग, बट स्टेटमेंट CEO की पहले आएगी, तो इसलिए हम यहाँ पर डी को रखेंगे देन ए को, ओके। वापस इसको रीड कीजिए कि चेन्नई बेस्ड जो बैंक था उसने अपने डिजिटल बैंकिंग सूट को एक्सपैंड करने का डिसीजन लिया। उसके एक्सपेंशन के लिए उसने फास्ट टैग बनाए। फास्ट टैग के लिए उसने क्या किया, यूपीआई पेमेंट को अपग्रेड किया। फिर बैंक ने 1 लाख इलेक्ट्रॉनिक टैग्स का टारगेट रखा, और वो टारगेट जो वो भी टैग्स है उसका यूज़ क्या है कि वो ड्राइवर को बिना टोल प्लाजा पे रुके आगे जाने के में हेल्प करेगा, राइट। तो ये इसका एक कंक्लूजन आ जाता है। ओके, तुम्हारा आंसर क्या है, BECDA। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने आज 4 क्वेश्चंस किए, चारों थोड़े बेसिक लेवल के थे मुझे पता है, लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई उनकी अच्छे से। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए अपने क्वेरीज़ को, मैं वापस से आपको कमेंट में रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर अभी तक आपने चीकेट एडजस्ट को डाउनलोड नहीं किया है तो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जहाँ पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल, हमारी न्यू वीडियोस एंड सिलेबस, अलग अलग नोटिफिकेशन सब कुछ मिलने वाला है वहाँ पे। और हमारे चैनल को 50,000 सब्सक्राइबर्स मिल चुके हैं, और हम चाहते हैं कि हमें और भी सब्सक्राइबर्स मिले, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप IBPS PO की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पेन ड्राइव कोर्स को ऑर्डर कीजिए, जिसका परचेज लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आने वाला है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।